बेटे कल आपको अल्कीन के बारे में पढ़ाया था, अल्कीन की प्रिपरेशन पढ़ाई थी, ऐसे ही है ना है? आज हमने पढ़ने अल्कीन की केमिकल रिएक्शन और उसके बाद उसके यूज के बारे में पढ़ने हमने, ठीक है? तो अल्कीन के जो रिएक्शन है उनमें पहला रिएक्शन क्या है अल्कीन के रिएक्शन, हाँ ये बता दूं आपको कि अल्कीन के जो रिएक्शन होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसके रिएक्शन कौन से होंगे? एडिशन रिएक्शन होंगे। कौन से रिएक्शन होंगे? एडिशन। कल आपको क्या बताया था, दो किस्म के रिएक्शन होते हैं, एक एडिशन रिएक्शन होते हैं और एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। जो एडिशन रिएक्शन होते हैं वो कौन से हाइड्रोकार्बन देते हैं? जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो एडिशन रिएक्शन देते हैं, क्योंकि उनमें कैपेसिटी होती है उनकी, उनकी जो कार्बन की जो वैलेंसी होती है फुली सेटिस्फाइड नहीं होती, जिसकी वजह से उसमें कोई भी एलिमेंट ऐड हो सकता है। जबकि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसमें कार्बन की जो वैलेंसी वो फुली सेटिस्फाइड होती है, लिहाजा एक एलिमेंट वहां से रिमूव होता है उसकी जगह पर कोई और एलिमेंट आकर लगता है। ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अल्कीन क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इनमें डबल बॉन्ड होता है, इसीलिए ये कौन से रिएक्शन देंगे? एडिशन रिएक्शन देंगे। इसके चार केमिकल रिएक्शन है और चारों के चारों क्या है? एडिशन रिएक्शन है। पहले हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इनटू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू फॉर्म सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। के अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो, डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाला अगर हमारे पास हाइड्रोकार्बन हो, उसमें हाइड्रोजन ऐड होती है तो क्या हो जाता है? वो सैचुरेटेड में तब्दील हो जाता है। इस अमल को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजनेशन कहते हैं। ये हाइड्रोजनेशन आपने कहां पढ़ी है? प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में भी पढ़ी है आपने। ये रिएक्शन कभी भी ऐसे नहीं होता, बल्कि ये कैटालिटिक रिएक्शन है। इसमें निकल कैटलिस्ट जो इस्तेमाल किया जाता है और 250-300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी होता है। तो क्या हुआ जी? H2C डबल बॉन्ड CH2 हाइड्रोजन ऐड किया, कैटलिस्ट क्या होगा? निकल होगा, 250-300 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्या तो बनेगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बनेगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया, ठीक है। अब यही अमल है जिस अमल की मदद से हम क्या करते हैं, जो वेजिटेटिव ऑयल होता है उसको हम वनस्पति घी बना लेते हैं। ऑयल क्या होते हैं? ऑयल ऑलिफेन, अल्कीन को ऑलिफेन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड वाले जो अल्केन है वो क्या होते हैं? ऑयल बनाते हैं। इसमें भी यही, अगर निकल कैटलिस्ट हो 250-300 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो ये क्या बन जाएगा? घी बन जाएगा। तो ये क्या है? हाइड्रोजनेशन। और जो घी बनना है ये भी क्या है? हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है। फिर उसके बाद है हैलोजिनेशन, द एडिशन ऑफ हैलोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। जैसे हाइड्रोजन ऐड हुआ है उसका डबल बॉन्ड खत्म हो गया, इसी तरह अगर हम हैलोजन ऐड कर दें तो डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। कैसे? H2C डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2। क्या होगा जी? H2C ये Br, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 और इधर भी Br, ये डाइब्रोमो इथेन जो बन गया, ठीक हो गया। आगे समझ आपको कि दो ब्रोमीन ऐड हुए, दोनों कार्बन के साथ एक एक ब्रोमीन लग गया और उसके बाद हुआ क्या? उसका जो अनसैचुरेशन है वो खत्म हो गया। उसके बाद है हाइड्रोहैलोजिनेशन, एक कार्बन एटम के साथ हैलोजन ऐड होगी और एक के साथ हाइड्रोजन। H2C डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ और ये जो Br है वो कहां रहेगी? दूसरे कार्बन के साथ। ये क्या बन जाएगा? H3C सिंगल बॉन्ड CH2 और साथ में Br, ये क्या बन जाएगी? इथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। इसका आखिरी रिएक्शन है क्या है? ऑक्सीडेशन। और ये ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन है ये क्या है? ये अनसैचुरेशन टेस्ट भी है। ये क्या है? अनसैचुरेशन टेस्ट भी है। अनसैचुरेशन का मतलब क्या होता है? ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर आ जाए हमें कैसे पता लगेगा कि ये हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड है या सैचुरेटेड है? उसके लिए ये एक टेस्ट भी है, ठीक है। और जो प्रैक्टिकल्स है उनमें प्रैक्टिकल भी है, ये एक प्रैक्टिकल भी है। इसमें हम क्या करते हैं? हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ हम क्या करते हैं? रिएक्शन कराते हैं। अगर पोटेशियम पर मैग्नेट का जो कलर है, ठीक है, पर्पल कलर, वो अगर डिस्चार्ज हो जाए तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अनसैचुरेशन है। और अगर कलर डिस्चार्ज ना हो तो अनसैचुरेशन नहीं होगी। क्या रिएक्शन होगा जी? H2C डबल बॉन्ड CH2 प्लस KMnO4 प्लस H2O, क्या बनेगा जी?
H2C सिंगल बॉन्ड CH2 इधर भी OH लग गया और इधर भी OH लग गया, MnO2 बनेगा और KOH बनेगा। हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं इथीन ग्लाइकोल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके जो यूजेज है वो आपने खुद करने। ये अनसैचुरेशन टेस्ट भी है, ये क्या है,